नमस्कार दोस्तों दोस्तों घर का फ्लोर टाइल्स कैसे लगाना है इसका आज मैं स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताऊंगा और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, जिससे क्या है कि आप ज़्यादातर देखते होंगे टाइल्स में प्रॉब्लम क्या आता है। टाइल्स में प्रॉब्लम पहला आता है जब अगर टाइल फिक्स होने के बाद कभी कभी आप देखते होंगे कुछ कुछ टाइल जो है जब चलेंगे तो वहाँ पर धप धप आवाज़ करेगा, यानी तो चल रहे हैं और पता चला कि सामने वाला टाइल थोड़ा सा हाइट में है, 3-4 mm भी अगर थोड़ा सा हाइट अगर वो फिक्स करने में अगर पूरा अलाइनमेंट में नहीं किया आपको पाँव में पूरा जो है लगेगा। तो अब ये सब चीज़ में किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, जिससे क्या है जिस समय टाइल फिक्सिंग हो भाई पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से हो और आप भी चेक कर सकते हैं। अब भाई क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्टर तो आपका काम करके चला जाएगा, अब जब आप चेक करेंगे तो अगर चेक किए तो ठीक है, अगर नहीं चेक किए तो भाई आपका पैसा चला गया बर्बाद। अगर चेक किए ठीक है तो गड़बड़ लगा दे भाई कितना पैसा काटिएगा। इसलिए जिस समय आप काम हो उस समय आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना, और उसी में मेरा आज का टॉपिक यही है फ्लोर टाइल इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और चेकलिस्ट फॉर फ्लोर टाइल, जिस समय आपको फ्लोर टाइल लगाना है उसमें क्या क्या चेक करना होता है उसी बताऊँगा। और हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरा हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का मैं सीरीज शुरू किया हूँ, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मतलब फुटिंग से लेकर के फिनिशिंग तक मेरा जो बनाने का है वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और अभी तक मैं 37th पार्ट बना चुका हूँ, आप जो है जा कर के देख सकते हैं, डायरेक्ट जाइए मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप नाम का फोल्डर होगा उसमें देखिए और आपको वहाँ पे जो है सारा पार्ट आपको मिल जाएगा अगर आप घर बना रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और एक एक करके बताते हैं कि भाई क्या करना। तो पहला स्टेप ये है कि भाई क्लीन द सरफेस, जिस भी सरफेस जहाँ भी आप टाइल लगाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका ग्राउंड फ्लोर हो चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, पूरा फ्लोर को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। अब क्लीन करना क्यों जरूरत है भाई, क्लीन करके क्योंकि क्या है ना कि जिस समय आप जब फ्लोर कास्टिंग करते हैं, जब अपर फ्लोर कास्टिंग करते हैं उस समय, चाहे कॉलम कास्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारा कंक्रीट हो चाहे ब्रिक वर्क के समय बहुत सारा मोटर जो है उसमें जम जाता है, उसको पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पूरा सरफेस को पूरा स्मूथ बना दीजिए, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, लेवल मार्किंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई लेवल क्या कर, लेवल मार्किंग। अब आपको इसमें क्या करना है कि पूरा फ्लोर में आप लगाएंगे तो रूम का पूरा फ्लोर का देख लीजिए, लेवल पूरा क्लीन होने के बाद जो है लेवल मार्किंग कर दीजिए कि भाई कहाँ पे किस जगह पे सबसे मिनिमम लेवल है, मिनिमम लेवल वही आपका फाइनल लेवल हो गया, और वहाँ से मिनिमम लेवल से आपको लेना है 1 इंच से 2 इंच, ज़्यादा नहीं थिकनेस लेना है। उसमें क्या भराएगा भाई, मोटर भराएगा, क्योंकि आप तो टाइल्स तो ऐसे नहीं बिछा सकते हैं ना, मोटर से फिर मोटर डाल करके उस लेवल फ्लोर को पूरा एक प्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। लेवल आपको इसमें देखना है, तो मिनिमम लेवल का रूम का जो होगा वो आप चेक कर लीजिए। और इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपका है, लेवल लेने के लिए आप जो है कोई एक कोन जो मिनिमम लेवल आएगा तो एक कोना में आप जो है टाइल वहाँ पे एक डम्मी टाइल टाइल का टुकड़ा वहाँ फिक्स कर दीजिए। अगर रूम की बात करते हैं तो लेवल जो है डेड लेवल आपका आता है आपका रूम में, ठीक है, और स्लोप लेवल जो आता है आपका ये आता है जहाँ भी पानी का सोर्स है, चाहे आपका बाथरूम की बात करें, चाहे आपका किचन की बात करें, चाहे आपका बालकोनी की बात करें, ये सब जगह पे आपको जो है ये स्लोप लेवल आता है, वहाँ पे स्लोप देना पड़ेगा टाइल्स में भी, और उसी हिसाब से आपको मोटर डालना है। अब है क्या इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब ये सब चीज़ तो हम लेवल कर लिए, हमको सारा चीज़ मिल गया, और अब क्या इम्पोर्टेंट है कि भाई कि मोटर बनाएंगे, मोटर मिक्स करेंगे, जिसमें इसका रेशियो क्या होगा, आपका रेशियो जो रहेगा वो रहेगा आपका 1:6,
मतलब एक पार्ट आपका सीमेंट रहेगा और 6 पार्ट आपका सैंड रहेगा, मतलब बालू रहेगा, ठीक है। इस रेशियो में आपको मोटर बनाना है, और मोटर जो बनाएंगे वो ज़्यादा गीला मत बनाइएगा, वो जो है थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो सूखा टाइप का होना चाहिए, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि मोटर जब भी बनाएंगे, और जिस जगह पे आप का काम होने वाला है फ्लोर का, उसी एरिया में आप जो मोटर बना सकते हैं, या उसका दूसरा रूम में बना सकते हैं, दूसरा रूम में बनाइए, जिससे क्या है कि आपको कहीं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत ना हो। और मोटर बनाते समय में आप जो है रेशियो का बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है, सैंड आपका पानी का भी ध्यान रखना, ज़्यादा गीला ना हो। अब आगे चलते हैं, मोटर मिक्स हो गया, अब उसके बाद मोटर बना लेंगे। अब जब सीमेंट लगाएंगे तो उसमें हम लोग को ज़रूरत पड़ता है सलरी का भी, सलरी मतलब घोला, तो सीमेंट सलरी ये भी हमको जो है बनाना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। सीमेंट सलरी का रेशियो रहेगा आपका 1:1, ठीक है। एक पार्ट आपका सीमेंट रहेगा तो एक पार्ट आपका वाटर रहेगा, ये बनता है आपका सीमेंट और वाटर से, बस और कुछ नहीं इसमें लगता है। इसका काम क्या है हम आगे आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब 5वां पॉइंट जो है, टोटल हम आपको 10 पॉइंट आज बताएंगे, 10 पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई टाइल्स कैसे फिक्स करना पड़ता है और क्या क्या उसमें चेक करना पड़ता है। अब क्या है कि सबसे पहला है सब सॉरी सबसे अब जो 5वां पॉइंट है उसमें क्या करना होता है कि दो काम कीजिए, या नहीं तो आप क्या कीजिए, पूरा फ्लोर में जो लेवल लिए हैं, डेड लेवल चाहे स्लोप लेवल, पूरा मोटर बिछा दीजिए, पहले पूरा प्लेन कर दीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, या नहीं तो एक एक करके जिस एरिया में आप टाइल लगाना चाह रहे हैं, जहां पर टाइल लगाना चाहिए, एक या दो टाइल लगाना चाह रहे हैं, उतना ही एरिया में आप लगाइए। दो काम हो गया, मतलब क्या हो गया कि आपको जो है लेइंग मोटर, अब मोटर वहां पर जो है लगाना है मोटर, और पूरा बिछा देंगे लेइंग बिछा, मोटर बिछाने के बाद जो है मोटर बिछ गया, और उसमें आपको जो है फिर क्या करना है कि चेक करना है कि वो भाई लेवल में है कि नहीं। अगर पूरा बिछा दिए हैं तो आप एक स्लोप में आ गया, ठीक है। अदरवाइज आप एक एक करके करना चाह रहे हैं तो मोटर बिछाने के बाद फिर क्या करना है, आप इसमें जो है आपको टाइल्स उसके ऊपर रख के देखना है, और उसको सूता से भी ये चेक करना है कि भाई वो प्रॉपर लेवल में है कि नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से आप लेवल लिए हैं, 4 कोना में आप लेवल ले लीजिए, जितना 4 कोना, समझ रहे मेरे बात को, तो 4ों कोना से आप सूता से देखते जाइए, जो टाइल बिछा रहे हैं वो पूरा सूता खींच करके देखिए वो पूरा प्लेन है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो फिर उसको थोड़ा और मोटर को नीचे कीजिए, और ये ज़्यादा जो है आपको उतना नहीं होना चाहिए, आपको 1 इंच 2 इंच के लेवल के बराबर ही होना, ज़्यादा मोटर देंगे तो फिर ज़्यादा वजन आ जाएगा। लेइंग मोटर, ठीक है। तो अब इसके साथ ये हो गया, फिर उसके ऊपर जो है जिस समय टाइल फिक्स करेंगे, लेइंग मोटर एंड सलरी, उसके ऊपर सलरी डालना, ठीक है। सलरी डालने के बाद जो है फाइनल हम लोग को लेइंग बिछाना है टाइल्स। टाइल्स बिछाते समय जो आपको सारा चीज़ का ध्यान देना है, अगर हम बात करें अगर टाइल्स की फिर से, तो हमको लेवल भी चेक करना है कि भाई कोई भी मैन है क्या, कि मिस्त्री का काम ये होता है कि टाइल्स को इस तरीके से बिछाया जाए जिससे क्या कि एक टाइल और दूसरा टाइल का जो पूरा जो सरफेस हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट है, सरफेस है, वो पूरा मिल जाना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि एक कोना मिला दिए, दूसरा कोना जो पूरा ऊपर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारा कोना मिलना चाहिए, जिससे क्या है कि और जो हम लोग जो मोटर बिछाए हैं वो भी पूरी अच्छी तरीके से होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में जो है मोटर बिछा दिए, मसाला बिछा दिए, फिर बाद में पता चला कि भाई उसके नीचे से जो वो सूख गया, पूरा ढप 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 कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना, दो दो चीज़ का ध्यान देना, पहला लेवल के अनुसार उसका कोना मिलाना है, और दूसरा आपको ये उसका लेवल देखना है। अगर लेवल आपका पूरा अगर हॉरिजॉन्टली सेम रहेगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो है कोना मिल जाए, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी 19-20 रहा तो पता चला एक टाइल ऊपर एक टाइल नीचे, फिर आपको जो है चलने में बहुत ही दिक्कत होगा आपका, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेइंग टाइल्स, अब टाइल बिछा देंगे, फिर
अब क्या करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका। अब टाइल बिछा दिए, फिर क्या आता है आपका सेवन्थ नंबर में, एस्केटिंग काम करवाएंगे। ठीक है, एस्केटिंग। अब बहुत लोग बोलेंगे एस्केटिंग क्या होता है, तो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि जब टाइल बिछाने के चारों कोना में दीवार से सटे हुए हम लोग एक 4 इंची चाहे 6 इंची हाइट में टाइल फिर से लगाते हैं वाल में, उसको हम लोग एस्केटिंग बोलते हैं। तो एस्केटिंग लगाने में जो है आपको, जिससे मैं प्लास्टर से पहले की अगर हम बात करें तो प्लास्टर जब करते हैं ऊपर से हम लोग जो नीचे से 6 से 8 इंची छोड़ देते हैं कि भाई जिस समय एस्केटिंग लगेगा उसके बाद हम लोग को प्लास्टर उसमें करना। ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। तो जब एस्केटिंग लगा देंगे फिर से उसको प्लास्टर करना है एस्केटिंग लेवल तक, जो आपका 5-6 इंची या 4 इंची बच गया है जगह उसको प्लास्टर कर दीजिए प्लेन अच्छा से, तब जा करके आपका हो गया। तो स्केटिंग फिक्स कर दिए हम, और अब फिर क्या है आपको लगाना है प्लास्टर करना। ठीक है, प्लास्टर नियर स्केटिंग। ठीक है, अब ये हो गया। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइल बिछाएंगे प्लास्टर भी करेंगे तो अब जो है क्यूरिंग करना, क्यूरिंग टाइल। जहाँ जहाँ आप टाइल बिछा दिए तो कम से कम 1-2 दिन कोशिश कीजिए कि भाई उसको पानी से भिंगा दे, क्योंकि कोई भी तरह का जब उसका सीमेंट का हाइड्रोलिक रिएक्शन करता है प्रोसेस जो होता है उस समय जो है उसको अच्छी तरीके से हो जाए, इसलिए ज़रूरत है कि पानी जो पूरा भिंगा दीजिए जिससे कि उसको जो भी पानी चाहिए उसको मिल जाएगा और अच्छा से स्ट्रेंथ भी मिलेगा। क्यूरिंग टाइल्स, टाइल्स तो नहीं कहा जाए इसको, आप ये भी बोल सकते हैं क्यूरिंग मोटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर अब नेक्स्ट क्या है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब उसको क्या करना है कि नेक्स्ट डे हमको क्या करना है, जब सबसे सारा चीज़ हो गया तो आप देखेंगे कि स्केटिंग और जो टाइल्स है उसके बीच थोड़ा थोड़ा गैप है, आप उसको वाइट सीमेंट भी भर सकते हैं, वाइट सीमेंट, जिससे क्या है कि कोई भी गैप ना हो और जिससे में आप कभी अगर पोछा मारेंगे चाहे धोएंगे रूम को तो वो उसों के पानी जो है नीचे ना जाए वाल में ना सिपेस करे, इसलिए जो है वहाँ पे वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट आपका फ्लोर में भी इस्तेमाल होता है, वाल में के टाइल में भी इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ पे खास करके पानी का सोर्स ज़्यादा है किचन चाहे बाथरूम, उस जगह पे वाइट सीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये था आपका कैसे को टाइल इंस्टॉलेशन करना है। एक और प्रोसेस है जो कि अगर बात करें इसमें स्पेस छोड़ा जाता है टाइल का, ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस इसमें क्या होगा जिस समय लेवल करेंगे तो इस समय आपको जो है सेंटर लाइन मार्किंग भी करना है। ठीक है, और इसमें जो है आपको सब कुछ सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, सीमेंट सली भी लगेगा और बस उसमें क्या करना है कि भाई बीच में स्पेसर दे करके टाइल के बीच में एक स्पेस डाल देना, ठीक है, चारों साइड से, और उसमें बाद में ग्रोटिंग मटेरियल से उसको भर देना, जिससे कि अलग अलग डिज़ाइन का लोग बनाता है, स्पेस देकर भी टाइल लगाता है, बहुत लोग सटा के भी टाइल लगाता है, ये आपकी मर्जी पे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, जो कि टाइल कैसे फिक्स करना है जो कि मैंने 10 पॉइंट में बताया। अगर इस तरीके से आप चलते हैं तो कभी भी टाइल्स में आवाज़ नहीं आएगा, ना ही कभी आपका जो है टाइल ऊपर नीचा लगेगा। और कोशिश कीजिए किसी अच्छे अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर चाहे मिस्त्री से काम करवाए, नया मिस्त्री से काम अगर करवाएंगे तो ठीक ढंग से नहीं करेगा, अब एक अच्छा मिस्त्री से करवाए जिससे कि आपका टाइल पूरा फिनिशिंग देखे बहुत ही अच्छा लगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल वाले को तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो और नहीं किए हैं तो, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट यही है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।